यूपी के अमरोहा में वोटिंग के दौरान दो पक्षों के बीच जबरदस्त झड़प हुई है। वटमाल मोहल्ले में एसपी बीएसपी गठबंधन और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। इस झड़प में एक युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। बीजेपी प्रत्याशी ने एसपी बीएसपी के समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बवाल करने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बुलंदशहर में बीजेपी उम्मीदवार भोला सिंह पर पोलिंग बूथ के अंदर प्रचार करने का आरोप लग रहा है। आरोप है कि जेपी जनता इंटर कॉलेज बूथ पर भोला सिंह मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे थे। बीजेपी प्रत्याशी को अर्धसैनिक बल के जवान ने रोका था। डीएम से बात कराने के बाद भोला सिंह को बूथ में एंट्री दी गई। खबरों के मुताबिक डीएम ने भोला सिंह को बूथ में प्रचार करने की अनुमति दी थी, जिसके बाद वोटर्स का आशीर्वाद लेते भोला का वीडियो वायरल हो गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के रायगंज में तनाव है। यहां चोपड़ा में 159 पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मतदाताओं को पीटा गया है। बीजेपी समर्थकों का आरोप है कि टीएमसी समर्थकों ने मतदाताओं को वोट देने से रोका। इसके साथ ही बीजेपी समर्थकों ने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थकों ने महिला वोटर्स को भी पीटा है। इसके बाद गुस्साए मतदाताओं ने NH-31 पर जाम लगा दिया है। जाम खुलवाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज किया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 3 सीटों पर भी सुबह से वोटिंग जारी है। यहां के पखानजूर में मतदान के लिए भारी संख्या में लोग घरों से निकले हैं। नक्सलियों के मतदान का बहिष्कार करने के ऐलान के बावजूद लोग लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। यहां पुरुषों के साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं भी वोटिंग के लिए लाइन में लगी हैं। यहां बुलेट पर बैलेट भारी पड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल यहां सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और इस मतदान का उत्साह बांका में भी देखने को मिल रहा है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे बांका के एक आदर्श बूथ की, और ये तस्वीर उसी बूथ की है। चूँकि मतदाताओं को अच्छा फील हो, बेहतर फील हो और बड़ी तादाद में मतदाता यहाँ पहुँचे, मतदान करें, इसके लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ कई सेंटर बनाए गए हैं ताकि जो यहाँ वोटर पहुँचे उन्हें कोई तकलीफ ना हो। आधार कार्ड जो है इसमें कंपलसरी किया गया है, वोटर आईडी कार्ड, लेकिन इसकी जानकारी जो है मुनादी के तौर पर या किसी प्रकार से लोगों को नहीं दी गई थी। हमारे साथ ये शख्स मौजूद है, महेंद्र ठाकुर जी, हम इनसे बात करेंगे। क्या समस्या आ रही है आपको? आपका जो है ये हमारा 100 बूथ क्रमांक 177 है और लगभग ये है कि मतदान मतलब अंतरगढ़ मतलब उसमें नगर पंचायत में 7 बूथ हैं और 7 बूथ में अगर मान लो मतदान करने अगर मतदाता आता है तो उसकी दूरी जो है 1 किलोमीटर के आसपास है और वो आईडी वाली बात आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ठीक है उसका पालन करेंगे, लेकिन सवाल ये आता है कि उसकी बुनियादी होना चाहिए। इस वक्त मौजूद है हम नगर निगम में, हम आपको दिखाना चाहेंगे आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है इसको, साथ ही साथ सखी मतदान केंद्र भी इसी को बनाया गया है। 85 और 86 बूथ संख्या है ये। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खेलने की जगह दी गई है जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं, कुर्सियाँ लगाई गई है जहाँ पर बैठ सकते हैं, आदर्श मतदान केंद्र है। साथ ही साथ ये सखी मतदान केंद्र है, खिलौने का भी इंतजाम आप देख सकते हैं, पंखे का इंतजाम है यहाँ। साथ ही हम आपको इधर भी दिखाना चाहेंगे कि कॉफ़ी स्टॉल लगाया गया है जहाँ पे जो मतदाता यहाँ पहुँचेंगे, जो महिलाएं यहाँ पहुँचेंगी उनके लिए पानी की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है। ये शिक्षा सुधार स्कूल किशनगंज का ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दिव्यांगों को स्काउट गाइड के 2-2 बच्चे ये मतदान करने के लिए ला रहे हैं। और आइए जानते हैं इस लोकतंत्र के मतदान में, ये जो लोकतंत्र के पर्व में ये किस तरीके से भागीदारी निभा रहे हैं। हाँ, ये बताइए कहाँ से ला रहे हैं और कितने अब तक दिव्यांगों को लाना है? ये 38 दिव्यांगों को लाना है, अभी तक यहीं से ला रहे हैं। देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ है और आज जहां मतदान होना है वो श्रीनगर बडगाम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहां पर आप देख सकते हैं मतदाता जो है धीरे धीरे मतदान केंद्रों की तरफ पहुंच रहे हैं और इनमें जोश है, उत्साह है और विकास, तरक्की और रोज़गार के लिए लोग मतदान कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग पहुँच रहे हैं
उनकी भावना ये है कि वो सबसे पहले यहाँ पर आएँ और उसके बाद मतदान करें। जैसा कि मतदाता जो पहले मतदाता थे, विकलांग मतदाता हैं, उन्होंने यहाँ अपने वोट को कास्ट किया और देश की तरक्की को लेकर उन्होंने अपने मतदान किया है। यहाँ पर जो तस्वीर अंदर की कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दिव्यांग मतदान केंद्र है और यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी हैं वो भी दिव्यांग हैं। ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है यहाँ की। जैन चौधरी अपने पत्नी के साथ यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने वोट किया। सर, आप फर्स्ट फेज में आपने खुद चुनाव लड़ा, सेकंड फेज में आपकी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, कैसे देख रहे हैं आप चुनाव को, इस सेकंड फेज को? देखिए, आप देख रहे हैं मैं काफ़ी रिलैक्स हूँ। आज मैं यहाँ मतदान करने आया हूँ, हमारे पार्टी के उम्मीदवार यहाँ लड़ रहे हैं और बहुत अच्छी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, जमीनी मुद्दों को लेकर वो चले हैं। कुछ खूबसूरत तस्वीरें फिर से हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि हम जहां मौजूद हैं ये कवर्धा में 236 क्रमांक मतदान केंद्र है और यहां पे देखिए, यहां पे चूंकि ये आदर्श मतदान केंद्र है तो यहां जो अंदर प्रवेश करने का मतदान केंद्र में जो गेट है उससे थोड़ा सा पहले यहां पे महिलाएं जो हैं वो पुष्प लेकर, फूल लेकर यहां पे मौजूद हैं, साथ साथ दीप लेकर मौजूद हैं और ये टीका करने के लिए भी कि कोई मतदाता यहां पे आता है तो उसका स्वागत होगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक वोट डाले जा रहे हैं। 95 सीटों पर हो रहे वोटिंग में वीआईपी भी ईवीएम का बटन दबाने के लिए कतार में खड़े नजर आए। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला इम्फाल में वोट डालने पहुंची। उन्होंने लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोगों से वोटिंग की अपील की। जहाँ रहते हैं वहाँ पर देना चाहिए वोट। इसे मैसेज टू दोस पीपल जो शिफ्ट हो जाते हैं एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, तो अपना वोट वहाँ लेके जाएं। दे शुड नॉट वेस्ट देयर वोट बिकॉज दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। एक बेहद खूबसूरत तस्वीर अपने दर्शकों को मैं दिखाने वाला हूँ कि कितनी जिम्मेदारी से इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदार बनने लोग आते हैं और कितना एहसास होता है उन्हें अपनी जिम्मेदारी की कि उन्हें लोकतंत्र की नींव को बहुत और बहुत मजबूत करना है। ये बूथ क्रमांक 236 है और हम अभी यहाँ पे मौजूद हैं और जिस तरह से हमने बताया भी कि किस तरह से यहाँ पे मतदान जारी है, ये तमाम जो मतदान दल है वो अभी यहाँ पे मौजूद है और वो मतदान कर रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इस कड़ी में फतेहपुर सीकरी में भी लोग बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर लाइन लगी हुई है। फतेहपुर सीकरी के जो तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पहुँच रहे हैं और ये मालियान नगर क्षेत्र फतेहपुर सीकरी का पोलिंग बूथ है जहाँ पर महिलाएँ, बुजुर्ग और युवा तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। महाराष्ट्र में दूसरे चरण के मतदान के दौरान जमकर उत्साह दिखा जा रहा है। नांदेड़ में पहले शख्स ने वोट डाला और फिर शादी के लिए रवाना हुआ। गणेश की आज शादी है, बारात 150 किलोमीटर दूर जानी है, इसलिए गणेश ने सबसे पहले जाकर मतदान करने का फैसला किया और फिर वो शादी के लिए रवाना हुए। गणेश के मुताबिक शादी के दौरान देरी हो जाती तो वो वोट नहीं डाल पाते। हम इस वक्त आगरा के दयाल बाग पोलिंग बूथ पर है। खास बात यह है कि यहाँ ट्रायंगलर फाइट है। कांग्रेस से प्रीति हरित चुनाव लड़ रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी से एसपी सिंह बघेल हैं और गठबंधन के प्रत्याशी मनोज सोनी हैं और तीनों ही प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत यहां लगाई है। तीनों ही दलों के जो बड़े नेता हैं उन्होंने पूरी ताकत यहां लगाई है। हम आपको दयालबाग जो का जो पोलिंग स्टेशन है उसका हाल दिखाते हैं। यहाँ अंदर जाके काफ़ी लंबी लाइनें यहाँ पर अंदर लगी हुई हैं। दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इस कड़ी में फतेहपुर सीकरी में भी लोग बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से ही यहां पर लाइन लगी हुई है। फतेहपुर सीकरी के जो तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं और ये मालियान नगर क्षेत्र फतेहपुर सीकरी का पोलिंग बूथ है जहाँ पर महिलाएँ, बुजुर्ग और युवा तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले मतदान फिर जलपान, ये शायद ये इन लोग बेहतर जानते हैं और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं।
आधार कार्ड जो है इसमें कंपलसरी किया गया है, वोटर आईडी कार्ड, लेकिन इसकी जानकारी जो है मुनादी के तौर पर या किसी प्रकार से लोगों को नहीं दी गई थी। हमारे साथ ये शख्स मौजूद है, महेंद्र ठाकुर जी, हम इनसे बात करेंगे। क्या समस्या आ रही है आपको? आपका जो है ये हमारा 100 बूथ क्रमांक 177 है और लगभग ये है कि मतदान मतलब अंतरगढ़ मतलब उसमें नगर पंचायत में 7 बूथ हैं और 7 बूथ में अगर मान लो मतदान करने अगर मतदाता आता है तो उसकी दूरी जो है 1 किलोमीटर के आसपास है और वो आईडी वाली बात आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ठीक है उसका पालन करेंगे, लेकिन सवाल ये आता है कि उसकी बुनियादी होना चाहिए। चुनाव आयोग के फैसले को बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने गलत बताया है। मायावती ने कहा है कि चुनाव आयोग का ये आदेश काला दिवस है, इसको शोषित समाज कभी भुला नहीं पाएगा। बीजेपी के खिलाफ वोट मांगने से वंचित किया गया है। मायावती ने कहा है कि नोटिस में कहीं भी आरोप नहीं लगाया था कि हमने कोई भड़काऊ बात कही थी, न ही हमने कहीं धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगा था। मायावती ने कहा कि हमारी सारी बातों को नजरअंदाज करके चुनाव आयोग ने अचानक बैन लगा दिया।